हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल. टुडे आई एम गोना डिस्कस थ्री आर्टिकल्स विद यू एंड आई एम गोना गिव यू सम होमवर्क आल्सो. ओके, द फर्स्ट आर्टिकल वी गोना डिस्कस इज अबाउट दिस. पब्लिक सेक्टर में मोनेटाइज करा जा रहा है, जो बेचे जा रहे हैं उसके बारे में. देन केरला हाई कोर्ट ने एनसीसी में कह दिया गया है कि अब ट्रांसपोजिशंस भी ले सकते हैं. दैट्स अ गुड न्यूज़. दैट इज द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट हियर. इधर यहाँ पे एनकाउंटर की बात हो रही है. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. दिस बीजेपी, दिस इज़ पॉलिटिकल आर्टिकल. दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट. आई एम गोना टेल यू दिस आर्टिकल. ऑल रोड्स डोंट लीड टू ग्रोथ एंड स्मॉल इज ब्यूटिफुल. दिस इज आर्टिकल विच यू हैव टू रीड ऑन योर ओन. द डोंट बी टाइट फिस्टेड. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले. तो पहली चीज़, यहाँ पे राइटर ने ये बोली कि जो इंस्टीट्यूशनल अभी जो बजट आया उसमें ये बोला गया कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे. ठीक है, थ्रू अ न्यू डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन. एक डेवलपमेंट फिनांस इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाएगा. हम मोनेटाइज करेंगे असेट्स को पब्लिक सेक्टर के और एलोकेशन बढ़ाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर का बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अब इसमें ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे तभी ग्रोथ आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी करी गई है फॉर पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स. ठीक है, ये दो चीज़ें की गई हैं. अब यहाँ पे उन्होंने कुछ लिस्ट कंपनियाँ शॉर्ट लिस्ट कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर दी गई हैं जिनको बेचा जाएगा, मतलब प्राइवेटाइज किया जाएगा. यही होगा ऑब्वियसली जब पब्लिक सेक्टर अपना बेचेगा. अलोंग दिस इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने ऑल्सो कंसिडर किया एक मैकेनिज्म बनाने का कि जिससे जो मोनेटाइज. अब ऑथर ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ों को मोनेटाइज ही कर रही है तो गवर्नमेंट को एक ऐसा भी इनिशिएटिव बनाना चाहिए जिसमें कि जो वास्ट लैंड होल्डिंग पब्लिक सेक्टर के पास पड़ी हुई है उससे भी इनकम निकल सके. ठीक है, अब इससे ये बताया गया कि इससे लॉजिक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हम लोग को प्राइवेट सेक्टर को लाना है. एक प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा. उसके लिए हम लोग मोनेटाइज करेंगे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा डिस इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि जैसे ही इकॉनमी में पैसा आए वैसे ही प्राइवेट सेक्टर भी उस पर आए. ठीक है, दैट्स इट. सो द नेक्स्ट आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. आई एम गोइंग टेल यू सम थिंग्स अबाउट दिस आर्टिकल. ये इस ईयर के बजट में बताया गया है, वही जो ऊपर था. इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाया गया है राधर ऑन डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन ऑन सब्सिडीज एंड सपोर्ट. इनको छोड़ के इस बार इन्वेस्टमेंट करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुई है. और कहा गया इससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा. अब इसमें ये क्या है, अब नेक्स्ट आर्टिकल इन्होंने रोड के बारे में बताया कि रोड पे 92,000 से 1,18,000 कर दिया गया है करोड़ बजट बढ़ाया गया है. तो इन्होंने अब ये कहा है कि बट प्रॉब्लम इसके साथ ये, पिछले साल 12,000 किलोमीटर, इस साल 12,000 किलोमीटर हाईवे प्लान है. पिछले साल 2,500 थे जिसमें से सिर्फ 237 ही आए थे ऑन स्ट्रीम, बाकी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए थे. तो कहने लगे एक डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्टर्स की आंखों से रोड 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 वो पैसा 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 देखने में और एक्चुअल वो चीज़ होने में. ठीक है, तो अब इन्होंने दो इंडेक्स बताए हैं जिससे आप कर सकते हैं. पहला है मोबिलिटी इंडेक्स जो मेजर करता है कि क्या स्पीड से आप जर्नी से कितनी जल्दी पहुंचेंगे. और अगला एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स, वो ये बताता है कि कितना अगर आप स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कर रहे होते हैं और जब इस रोड से कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है. ठीक है, इस पहले से कंजेशन मेजर हो जाता है कि रोड में कितनी देर है क्या है. और दूसरे से ही पता चल जाता है कनेक्टिविटी और डेंसिटी रोड से क्या है. तो उनका आप ये चीज़ बढ़ा सकते हैं, गूगल मैप्स यूज़ करिए. आप ना जाइए, आपको रोड्स पहले आप एक फ्रेमवर्क बनाइए कहाँ का क्या है. गूगल मैप्स यूज़ करिए, पता करिए कौन सी रोड्स में क्या दिक्कतें, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे कॉलेज स्टूडेंट्स सब कुछ रोड्स ही यूज़ करते हैं. अब इन्होंने कुछ स्टेट्स के बारे में बताया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट किसकी क्या डेंसिटी, बट आई विल टेल यू समथिंग कि बस तमिलनाडु बाकी दो स्टेट्स, जैसे बाकी जो स्टेट्स कौन से हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, उन दोनों से उस अहेड है. ठीक है, दोनों इंडिकेटर में, चाहे वो हो. अब इन्होंने पूरे फैक्ट्स बताए कि इतना किलोमीटर इतना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू. अब इन्होंने ये भी बताया कि एक्सेस डिस्टेंस इंडेक्स, मतलब वही जो भी मैंने आपको बताया था, वो 40-50% ज़्यादा है रूरल एरियाज में और विच रिड्यूस 15-25% इंटर. मतलब रूरल एरियाज में आपको एक्सेस डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र कर रहा है. और महाराष्ट्र इसमें सबसे ज़्यादा बॉटम पे है जहाँ पे 52% एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ता है रूरल एरियाज में, 26% इंटर सिटीज में.
अब इसमें ये बताया गया कि सबको एलिगेशन एक जैसा मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ दैट हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है। दोनों को 40-40% एलिगेशन मिल रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को। हमें ये देखना चाहिए कि रोड्स एंड वेलफेयर चल रहा है, सिर्फ मनी नहीं आप एलोकेट कर रहे हो, कहाँ से कितना डेंसिटी बने, क्या बेटर होगा, ये सब चीज़ें एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। ऊपर फैक्ट्स भी दे में यू वॉन्ट टू रिफर टू इट, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू अबाउट इट। सो द नेक्स्ट आर्टिकल आई एम गोना डिस्कस विद यू इज स्मॉल इज ब्यूटिफुल, डिजिटल एम्पावरमेंट के बारे में बताया गया है। ऑथर हैं अरुणा शर्मा। इन्होंने ये बोला है कि इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग MSME को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये गेम चेंजर हो सकते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल इन सब में हो सकते हैं, ठीक है। हमें मोर चैनल्स चाहिए फॉर एक्सेसिंग, ये MSME को इस वक्त क्या चाहिए, चैनल्स बढ़े, मार्केट बढ़े, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, तो कि वो नेशनल और ग्लोबल सप्लाई चेन से बढ़ सके। अभी उनका इसमें ई कॉमर्स बहुत अच्छा साथ दे सकता है, ठीक है। अभी देखो डाटा इज़ द न्यू ऑयल, यू हैव हर्ड ऑल अबाउट इट। तो अभी ये बात हो रही कि न्यू डिजिटल एम्पावरमेंट ही की डिफ्रेंशिएटर हो सकता है, हमारे MSMEs के बिना फ्यूचर रेडी नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे बहुत ज़्यादा भी डाला है वोकल फॉर लोकल होगा, आत्मनिर्भर भारत करना है, ये वो हमारी MSMEs को बढ़ाना है, ठीक है। तो उनका सप्लाई चेन्स पे आपको करना पड़ेगा, जैसे छोटे छोटे शहरों के लोग भी पे जा पाएँ, इसमें साथ दे पाएँ। तो उसमें का सप्लाई चेन को कैसे बढ़ाएंगे, ई कॉमर्स सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज़ ने पार्टनर करें कि वो डिलीवरी नेटवर्क के साथ सप्लाई चेन के साथ ऐड हो सकें, स्टार्टअप्स और यंग ब्रांड्स को भी अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं से मिलेगी जबकि वो ग्लोबल जा पाएँ, एडिशनल इनकम जनरेशन होगी, मल्टीपल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ हमें मिलेगी। मैनी ऑफलाइन स्टोर्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं इसको ताकि अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेडिशनल वे से हट के वो एक नए वे पे आए, ठीक है। चाइना भी ऑथर ने बताया कि चाइना ने तो अपनी इकॉनमी बना ली थी कि ऐसे गिल्ड विल से, पर अब इकॉनमी चेंज हो गई है ना, उनका अब कुछ हर्डल्स भी हैं इसमें। पहले की जो रोड ब्लॉक्स हैं ई कॉमर्स में, हम लोग को उसको हटाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग ऑनलाइन करना पड़ेगा आपने, ठीक है। सेलर्स फ्रॉम ई मार्केट जो है ना, उनको एडवांटेज GST का मिलता नहीं है, 40 लाख एग्जेम्पशन का उनको का, तो वो चीज़ हटानी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक चीज़ होता है, ठीक है। इसमें रिक्वायर्ड होता है कि ऑनलाइन सेलर्स को डिजिटल बाय ऑनलाइन सेलर्स बाय मेकिंग इट डिजिटल एंड नॉट रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस टू एक्सपैंड देयर रीच आउटसाइड होम स्टे। इसमें बोला गया है कि जो फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस है, इसके रिक्वायरमेंट ऑनलाइन सेलर्स को होता है कि वो डिजिटली कर दें और बाहर जाके उनको अपना होम स्टेट के बाहर जाके डॉक्यूमेंट्स ना देने पड़े। बट अभी फ़िलहाल ये चीज़ हो रही है कि सेलर्स को देना पड़ता है, उनको फिजिकल POP ही सबमिट करना पड़ता है। तो उनका अगर आप डिजिटली चल रहे हैं तो लेट इट एवरीथिंग बी डिजिटल, ठीक है। थर्ड आपने बोला गया कि MSME कुल भी फिजिकल इंसेंटिव टू फिजिकल इंसेंटिव टू एक्सेस मार्केट एंड इन्वेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्टाइज दोज हु शिफ्ट। इन्होंने कहा कि आप फिजिकल इंसेंटिव दीजिए ना कि जो जो मार्केट में आपको ये मिलेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करिए, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पांचवा ये है कि नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी ला रहे हैं आप उसमें भी ई कॉमर्स चीज़ों को ला सकते हैं। ये सब सजेशन आप लिख लीजिए आप कॉपी में ध्यान से। फिफ्थ ये इन्होंने बोला है कि आप जो स्किलिंग पॉलिसी है ना उस पर ई कॉमर्स पॉलिसी को भी जोड़ दीजिए, ठीक है। कि जैसे जैसे स्किलिंग हो रही है वैसे वैसे ई कॉमर्स को उसी तरह से ई कॉमर्स में जो ज़रूरत है उस तरह की स्किल्स भी दी जाए। सिक्स है टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट विया ई कॉमर्स। आपको वो स्टेप प्रोडक्ट सीखने पड़ेंगे, अच्छा ये ई कॉमर्स में जा सकते हैं, इनका पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। कनेक्ट ई कॉमर्स विद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट क्लस्टर बनाना टाइप्स, ये सब आप ज़रूर से लिख लीजिए। एंड सिक्योर सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन करना, SEZ को ऐसा बनाना कि वो ई कॉमर्स रेडी हो जाए, इंडिया पोस्ट को स्पेसिफिक ऐसा बनाना कि वो छोटे छोटे से पार्सल्स बना सके जो आराम से एक्सपोर्ट हो सके, ठीक है। अभी बहुत बल्क पार्सल जाते हैं, तो उन्होंने यही बोला है लास्ट में ऑथर ने, इंसेंटिव ई कॉमर्स को ये देंगे तो आप बहुत अवेयरनेस और एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन कर पाएंगे। एक्सपोर्ट्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हैं और MSME कैन बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग। फॉरन ट्रेड पॉलिसी में अब आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, अगली रिवाइज पॉलिसी में इन पॉइंट्स को भी लाना चाहिए। So that is it for today. Thank you and have a nice day.